उसके बाद बात आती है नेविगेशंस की, ठीक है। नेविगेशंस आप कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। अब नेविगेशन क्लिक करना है ऑनलाइन स्टोर पे, और नेविगेशन पे क्लिक करना है फिर, ठीक है। यहाँ पर आपको आपका फुटर भी नजर आ रहा होगा, मेन मेन्यू भी नजर आ रहा होगा। आपने मेन मेन्यू अभी अपना सेलेक्ट करना है, तो आप मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप वो जो कह रहे थे जी सब कैटेगरीज कैसे बनेगी, वो यहाँ पर आप ही बांध सकती है, जो ऑलरेडी बनी हुई है आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। कैटलॉग को मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको ऐड कर लूंगा, क्या नाम है, बाकी कलेक्शंस को, कलेक्शंस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप कह लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड, फिर ऐड, फिर इसको मैं कलेक्शन पे क्लिक करूंगा। और उसके बाद मेरी दूसरी जो कलेक्शन है वो है फोन एक्सेसरीज, वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप होम कलेक्शन और होम डेकोर, ठीक है। अब आप कह रहे थे जी होम डेकोर की कलेक्शन बनानी है, तो आप सिंपल यहाँ पे पहले कलेक्शन और लैंप्स पे क्लिक करें, ऐड करें, ठीक है। अब इसको आप ड्रैग करके जिसकी आपने सब कैटेगरी बनानी है उसके ऊपर लिख दें, ठीक है, ले जाएं। होम लैंप डेकोर की लैंप्स जो है ना आपकी कैटेगरी बन गई, तो आपने इसको सेव कर लेना यहाँ पे। सेव करेंगे तो फिर आप इसको रिफ्रेश करें, ठीक है। अब ये देखें इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन एक्सेसरीज, होम डेकोर और लॉगिन की भी ऑप्शन आ रही है साथ में, आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप मेन मेन्यू के अंदर ही आप एक कॉन्टेक्ट अस या अबाउट अस दोनों भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कॉन्टेक्ट अस का लगाया हुआ है, तो आप कॉन्टेक्ट अस रखें, क्योंकि यूजर को आपने मतलब थोड़ा सा इजी देना है कि जो हम चीज दे रहे हैं वो मतलब आपकी ऑथेंटिकेशन बनती है थोड़ी सी। आप इसको सेव कर दें, और इसके बाद आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका मतलब स्टोर जो है वो थोड़ा सा बन गया हुआ है। क्या ले, होम डेकोर के अंदर आपका लैंप्स, और उसके बाद फोन एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉन्टेक्ट अस और लॉगिन की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो ये नेविगेशन आपकी मेन मेन्यू की हो गई। इसके बाद आपने फुटर की नेविगेशन भी बनानी है, ठीक है। फुटर के लिए अभी आप देखेंगे फुटर के अंदर कोई खास आपके पेजेस नहीं नजर आ रहे। जो पेजेस हमने बनाए थे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो पेजेस आपने यहाँ पर मेंशन कर देने हैं, ठीक है। पेजेस पे क्लिक करें, यहाँ पर आकर रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी सॉरी, वो ऐड करें। फिर अब नेक्स्ट पेजेस, और उसके बाद रिफंड पॉलिसी सेव, उसके बाद लिंक पे क्लिक करें, पेजेस, टर्म्स एंड कंडीशंस एड, उसके बाद लिंक पेजेस, फिर अबाउट अस। समझ आ रही है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये इजी है। कॉन्टेक्ट अस एड, और उसके बाद आप इसको कर लो सेव, ठीक है। ये आपका फुटर का मेन्यू बन गया, ठीक है। अब इसको आप रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करोगे तो आपकी ये चीजें जो है ना वो फुटर में भी शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। बिल्कुल वर्डप्रेस की तरह है, बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब ये देखें सर्च, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस वगैरह, ये सारी चीजें इसके आ गई हैं, तो उसके बाद जो है ना आप इसको कर सकते हैं।
ओके, हम कंटिन्यू करते हैं जनाब। अब यहाँ पर हमारी नेविगेशन बार, फुटर मेन्यू और यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं ये सारी चीजें।